हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 14 चेस्ट साइज के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। यहाँ पर पेपर मैंने डबल लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से डबल पेपर मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि हम दोनों भी साइड एक ही साथ कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके गले की ब्रॉडनेस को नापते हैं। तो यहाँ पर मैं गले की ब्रॉडनेस को रख रही हूँ 2.5 इंच, और शोल्डर पट्टी को हम रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ से हम हाइट नापते हैं, तो हाइट मैं यहाँ पर रख रही हूँ 16 इंच, मतलब 16 इंच। अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर आप कर लीजिए। और यहाँ से हम नापते हैं आर्मोल, तो आर्मोल को हम रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंचेस मैं रख रही हूँ, तो 6.5 इंच पर मार्किंग कर ली। अब सबसे पहले हम आर्मोल की साइड को ज्वाइन करेंगे। अब आर्मोल की साइड पे हम सीधे टिप रखेंगे और 40 का चौथा भाग, 40 का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर, तो 10 इंचेस होता है। तो यहाँ पर हम 40 साइज़ के लिए कर रहे हैं, तो 40 का फोर्थ भाग मतलब 10 इंचेस लेंगे, और इसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच मिला देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 11.5 इंच, और जहाँ से हमने इसकी हाइट गिनी है यहाँ से भी हम इसको लेंगे 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पर मैं फिर से एक बार मार्किंग कर लूँगी। अब हम आर्मोल को यहाँ पर नाप लेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। हम इस तरह से आर्मोल को गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। अब हम इसे एज इट इज़ कट करते हैं जैसे हमने इसकी मार्किंग की है, और इसके बाद हम फ्रंट साइड की मार्किंग करेंगे। तो अब मैं दोनों पेपर साथ ही में काट रही हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पेपर मैंने साथ ही में काट ले हैं। अब हम इसको ऊपर वाला पेपर को अलग करेंगे, और जो नीचे वाला है इसको हम फ्रंट साइड, या फिर नीचे वाला आप बैक साइड के लिए रख लीजिए, ऊपर वाला फ्रंट साइड के लिए ले लीजिए। तो यहाँ पर हम एक पेपर ले लेंगे, और अब हम गले की चौड़ाई को तो यहाँ नाप लिया है, तो अब हम फ्रंट साइड का गला नापेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच गले की चौड़ाई ली थी, तो यहाँ पर ये मार्किंग है, और यहाँ से मैं नीचे तक गले की जो भी लेंथ होगी आपकी वो आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7 इंचेस, तो 7 पर हम मार्किंग कर लेंगे। और फिर यहाँ पर भी हमें एक बार गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आप गिन लीजिए 2.5 इंच, क्योंकि कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार इसे इस तरह से जोड़ेंगे। और ये जो आर्म होल है इसको हम 1 इंच अंदर रखेंगे। बैक साइड का हमने 1.5 इंच अंदर रखा है, तो इसको हम 1 इंच अंदर रखेंगे, और फिर से एक बार इसे गोलाई देंगे, और थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाते हुए देंगे। अब फ्रेंड्स, इसकी क्रॉस पट्टी कट करते हैं। तो क्रॉस पट्टी हम रखेंगे यहाँ पर 3 और 4 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैंने मार्किंग एक बार कर ली है, एक बार मैंने कर ली है 4 इंच पर मार्किंग, और फिर से एक बार यहीं पर करेंगे 3 इंच पर मार्किंग। तो यहाँ पर 3 इंच और 4 इंच दो मार्किंग हो गई है, तो पहले 3 इंच वाली मार्किंग को हम सीधे मिलाएंगे, और फिर से एक बार इसी पट्टी पर सीधे टेप रखेंगे और 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और इसे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब फिर से यहीं पर आपको टेप रखना है, और यहाँ से हमें कटोरी की साइज़ गिननी है। तो यहाँ पर मैं कटोरी को रख रही हूँ 6 इंच, तो 6 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली। और यहाँ जो ये गले का चौड़ाई, गले की चौड़ाई हमने जहाँ गिनी है, यहाँ पर हम 1/2 इंच इस तरह से ऊपर रखेंगे, और इसको 1 इंच अंदर भी मार्किंग लेंगे, और इसको गोलाई देंगे गले को। और ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ पर गिना है, इससे हम इस तरह से कटोरी की साइज बना लेंगे। जब भी आपकी कटोरी में गोलाई जो लगती है, तो ये गोलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की बिल्कुल मार्किंग। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो हमने जैसे इसकी लाइनिंग लगाई है, ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी क्रॉस पट्टी की कटिंग पहले हम कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कटिंग बन गई है फ्रंट साइड की।
अब हम एक अलग पेपर पर इस कटोरी को बढ़ाएंगे। इसे हमें बढ़ाना पड़ता है, तो हम इसे अलग पेपर पर बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक अलग पेपर ले लिया है और ये जो हमने कटोरी इसकी कट करी थी, तो इसको सबसे पहले हम सेंटर के साथ मिला लेंगे और इसका सेंटर पॉइंट बनाएंगे। इसका सेंटर पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा दूंगी। अब देखो, यहाँ पर हम इस तरह से रख कर इसके सबसे पहले आउटलाइन ले लेंगे। ये जैसी है ऐसी ही हमें इसकी आउटलाइन लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी आउटलाइन ली है और जहाँ पर मैंने इस तरह का बनाया है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हम इसे बढ़ा लेंगे। तो तीनों साइड से हमें डेढ़ डेढ़ इंच इसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैं डेढ़ इंच आगे इसे बढ़ा रही हूँ। यहाँ से नीचे की साइज़ भी मैं डेढ़ इंच लगा देती हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी मैं ये डेढ़ इंच लगा दूँगी। अब फ्रेंड्स, ये तीनों डॉट्स हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम ये तीनों डॉट्स जोड़ेंगे। अब ये वाली साइड हम इस तरह से गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटोरी की तीनों भी साइड बढ़ गई है। अब इसे कट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कटिंग बिल्कुल बन गई है, पूरी हो चुकी है और ये कटोरी भी हमने बढ़ा ली है। यहाँ पर है ये हमारी क्रॉस पट्टी और इस तरह से हमारी ये कटोरी ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड की कटिंग, ये फ्रंट साइड की कटिंग है। बहुत जल्दी हो जाएगी फ्रेंड्स और बहुत आसान है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।